अरे हाँ, कल रात वो आया था, वो कौन? जूनियर जी आया था कल। ओ रियली? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, कहा है झूठ बोलना पाप है। फिर क्या हुआ? जूनियर जी मुझसे कहने लगा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। उसने कहा कि मैं उससे दोस्ती करूँगा। फिर तूने क्या कहा? भला जूनियर जी से दोस्ती करने के लिए कोई ना कर सकता है? मैंने तो झट से हाँ कर दी। फिर क्या हुआ? वो मुझे कहने लगा कि मैं उसके साथ उसके देश चलूं। वो किसी दूसरे देश में रहता है? अरे हाँ, परियों के देश में। परी देश का राजकुमार है वो। तो क्या तू उसके साथ गया था? अरे हाँ हाँ, जाना पड़ा। उसने इतनी जिद्दो की थी, और भला दोस्ते के लिए कोई ना कह सकता है? मैंने तो फट से हाँ कर दी। कैसा था उसका देश? अरे बाप रे, एकदम फर्स्ट क्लास। चारों तरफ परियां ही परियां, बड़ी छोटी खूब सारी। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इतने केले कि मैं तो खा के थक गया, पर खेले खत्म ही नहीं हुए। अच्छा? अरे इतना ही नहीं, उसने तो ये भी कहा है कि मैं जब भी उसे याद करूँगा वो झट से आ जाएगा। ऐसा वादा किया था उसने? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? है क्या ये निकला क्या? तो कुछ भी किसी काम का नहीं मेरा। कर ले तुम्हारी पर्स। थैंक यू गौरव। Take your seats. All set? Yes, sir. मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आज शाम को उसमें एटॉमिक बैटरी फिट कर दी जाएगी और बैटरी फिट होते ही मिसाइल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे दुश्मन देशों की नजर इस मिसाइल पर पहले दिन से है। डोंट वरी सर, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मिसाइल टेक ऑफ होने के साथ ही उसमें से एंटी गन रेज निकलना शुरू हो जाएगी। गुड। इस मिसाइल के लॉन्च होते ही हमारा देश हवाई हमलों से आजाद हो जाएगा, क्योंकि ये एक अकेली मिसाइल पूरी फौजी यूनिट का काम करेगी। हम कब तक टेक ऑफ कर सकते हैं? सर, 3 दिन बाद काउंटडाउन शुरू होगा। वाई? इस अनूठी मिसाइल का लॉन्च भी अनूठा है सर, उसे बनाने में 1 दिन और लगेगा। नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रहे पूरा प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। हमें 1 हफ्ते में ऐसी 5 मिसाइलें लॉन्च करनी है। यस सर। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। वो मिसाइलें हैं कहाँ? वो लॉन्च स्टेशन पे रखी हुई है सर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यस सर। बेवकूफ लोग। अरे देश की सीमाएं तब सुरक्षित रहेंगी ना जब मिसाइल्स इनके पास रहेंगी। गई भैंस पानी में। मिसाइल्स मी मिसाइल्स टेक ऑफ जरूर लेगी, लेकिन वो स्पेस में नहीं बल्कि
फिमांचु के वर्क स्टेशन पर। पर वेट फिमांचु, मिसाइल चुराना इतना आसान नहीं है। शट अप गोगा 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 गोगा। फिमांचु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है लिंडा। यस ग्रेट फिमांचु। मिस मैग्नेटो से कहो, मिस मैग्नेटो से कहो ग्रेट फिमांचु ने उसे याद किया है। जो हुकुम ग्रेट फिमांचो। चिंकारा। लिंडा ये मिस मैग्नेटो क्या बला है? ग्रेट फिमांचो का हर एक सिपाही अपने आप में एक बला है। मिस मैग्नेटो मैग्नेटिक शक्ति से भरपूर वो ताकत है जो किसी भी भारी से भारी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। हवाई जहाज को भी? हाँ, एक साथ चार चार हवाई जहाज को। मिस मैग्नेटो के अंदर भयानक चुंबकीय शक्ति है। पर वो देवी जी है कहाँ? मिस मैग्नेटो को बोला जाए कि ग्रेट फिमांचो ने उन्हें याद किया है। यस मैडम लिंडा, हम आपका मैसेज मिस मैग्नेटो तक पहुंचा देंगे। जल्दी। मिस मैग्नेटो, आपको ग्रेट फिमांचो ने याद किया है। मिस मैग्नेटो, आपको ग्रेट फिमांचो ने याद किया है। यस ग्रेट फिमांचो। चिंकारा वाह, क्या दिमाग पाया है कि तूने मदिरा जैसी वस्तु बनाई। पता नहीं तूने इसे चखा के नहीं, पर एक बात जरूर है, सुंगो से तो दिल नहीं भरता, पियो तो मन नहीं भरता। वेलकम मिस मैग्नेटो, आपका स्वागत है मेरे चैंबर में। क्या हुक्म है ग्रेट फिमांचो? मिस मैग्नेटो, तुम्हें एक जरूरी मिशन पर भेजना है और उस मिशन के लिए तुम्हें बहुत सारी पावर्स की जरूरत होगी। जितने भी पार की मैग्नेटिक रेस की जरूरत होगी मैं जनरेट कर सकती हूँ ग्रेट फिमांचो। वेल डन, वेल सेड, वंडरफुल। मिस मैग्नेटो, डिफेंस लैब वाले एक मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वो मिसाइल मिस लिंडा। यस ग्रेट फिमांचो। मिस मैग्नेटो को समझाया जाए। डोंकी, आई डोंट लाइक डिस्टर्बिंग एलिमेंट। वो मिसाइल इस रास्ते से जाकर यहाँ पर सेटल होगी, लेकिन ग्रेट फिमांचो चाहते हैं कि उस मिसाइल को तुम अपने मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ खींचकर हमारे वर्क स्टेशन में पहुंचा दो। ऐसा ही होगा। चिंकारा, वो मिसाइल 1 अप्रैल को लॉन्च हो रही है। ग्रेट फिमांचो, डिफेंस वाले कहीं हमें अप्रैल फूल तो नहीं बना देंगे ना? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम आज अभी और इसी वक्त अपने काम के लिए तैयार हो जाओ मिस मैग्नेटो। ग्रेट फिमांचो के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ मैडम लिंडा। चिंकारा। मुझे अपने सिपाहियों पे गर्व है।
तो मिस मैग्नेटो, हम अपना काउंटडाउन बिगिन करें। यस ग्रेट फ्यूमांचो। हाय राहुल। हाय शैली। तुम यहाँ अचानक कैसे? अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। ओह सॉरी, कम कम बैठो, मैं दो मिनट में चेंज करती। अरे सुनो तो, आराम से चेंज करना। गौरव कहाँ है? तुमको उससे क्या काम? काम है तभी तो पूछ रही हूँ। कम ऑन शैली, तुमको उन जैसे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। क्यों, क्या बुराई है गौरव में? अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट? मेरे नोट्स पढ़ करके तो फर्स्ट आता है। ओ आई सी, एनीवे वो है कहाँ? वो घर पे नहीं है। हाय शैली। हाय गौरव। हाय गौरव। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे गौरव, तुम तो घर पे नहीं थे ना, कब आए? राहुल भैया, मैं तो सुबह से घर पे था। गौरव, मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री की नोट्स चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं। पता है गौरव, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी और पापा मुझे जरा भी हेल्प नहीं करते होमवर्क करने में। क्यों? डैड की मिनिस्ट्री एक नया मिसाइल लॉन्च कर रही है और उसी वक्त हमारी मंथली टेस्ट भी है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव, टेस्ट की जरा भी तैयारी नहीं हुई है। तुम घबरा मत, तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। थैंक्स गौरव। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। तुम कितने अच्छे हो गौरव। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। तुम बातें भी बड़ी अच्छी करते हो। थैंक्स। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। हो गई तुम्हारी बातें, चलो शैली नाश्ता करते हैं और तुम हमारे लिए नाश्ता बनाओ। वेरी गुड। सर ये जो लाल लाल लाइट्स देख रहे हैं ना? हाँ। इनमें से एंटी मेटलिक रेज निकलकर एक घेरा जैसा बना लें। अच्छा सर, लाइक दिस। और जैसे ही कोई दुश्मन जहाज या कोई भी ऐसी चीज इस घेरे से टकराएगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। Fantastic. लेकिन वो चमकीली सी चीज क्या है? सर, यहां से इस मिसाइल को मूव करने में मदद मिलेगी। इसके अंदर एटॉमिक बैटरी फिट होगी। ओह आई सी, ये आप लोगों ने तो कमाल कर दिया है। आपका यह आविष्कार हमारे देश की सुरक्षा में बहुत काम आएगा। सर एक बात है, जब यह मिसाइल लॉन्च होगी तो कम से कम हम दुश्मनों के हवाई हमलों से तो अपने आप को सेव कर सकेंगे। राइट, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अवार्ड के लिए रिकमेंड करूं। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे हम इसे लॉन्च कब तक कर सकते हैं? एटॉमिक बैटरी तैयार हो रही है, उसके तैयार होते ही हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। और ये बैटरी कब तक तैयार होगी? बस एक दिन में तैयार हो जाएगी। तो मतलब हम इसे 1 तारीख को लॉन्च कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। ग्रेट, 1 तारीख हमारे देश के इतिहास में एक अलग महत्व रखेगी, क्योंकि उस दिन सारी दुनिया हमारे देश के इस अनूठे आविष्कार को आंखें फाड़ कर देखेगी। मिस्टर वर्गिस। यस सर। लॉन्च की तैयारी करो। इस अनूठे चमत्कार को दुनिया के सामने आने में देर नहीं लगनी चाहिए। यू आर राइट सर। नोट्स बनाने का ज्यादा शौक है ना तेरे को?
किताब किसने पढ़े? ओ, राहुल भैया के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता ऐसा। विमानचो के डेन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने एडवांस तो भर दिया होगा ना? यस। मैडम, हमने ग्रेट विमानचो के बैंक में एडवांस पहले ही भर दिया। गुड, वेरी गुड। मैडम लिंडा, ग्रेट विमानचो कब आ रहे हैं? बेवकूफ, ग्रेट विमानचो के डेन में किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर वक्त और हवाओं को भी इंतजार करना पड़ता है ग्रेट फिमांचो का। आप लोग तो खुश नसीब है कि ग्रेट फिमांचो ने खुद आप लोगों को अपने पास बुलाया है। हम जो आप लोगों के साथ सौदा करने जा रहे हैं उससे आपके देश की सरकार को बहुत फायदा होने वाला है। उन मिसाइल से आप लोग अपने देश की सीमा को सुरक्षित रख सकेंगे। चिंकारा जी, चू चाऊ चाऊ चौ। भाई मैं आपका मतलब समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि आपके देश की सरकार बहुत प्रसन्न होगी और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहेगी। मैं समझ गई ग्रेट फिमांचो। भाई आप लोग अब मेरी बात ध्यान से सुने। डिफेंस वाले 5 मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं। जो देश ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत देगा मिसाइल्स उनके पास। आप लोग अपने मिसाइल का नंबर लिंडा के पास छोड़ दो और कीप इन टच। लिंडा, इन लोगों को इनके देश रवाना करो। जो हुकुम ग्रेट फिमांचो। ग्रेट फिमांचो, लिंडाल, हम लोगों ने एडवांस में ही करोड़ों कमा लिए हैं। लिंडा डारिंग, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाय गौरव। हाय शैली। थैंक्स, तुम्हारी नोट्स की वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा था ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, तुम तो एक बार पढ़ लेते हो याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस ध्यान से पढ़ने की बात है। अगर किसी भी नोट्स को ध्यान से पढ़ा जाए वो याद तो होगा ही ना। चलो चलो। ये गौरव का बच्चा आजकल बहुत उछलने लग गया है और अपनी शैली भी उन लोगों से बहुत बातें करने लग गई है। शैली को तो मैं समझा दूंगा कि उन लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं है। और क्या, नोट चाहे थे तो हमसे मांग लेती। वो गौरव का बच्चा कुछ पढ़ता लिखता तो है नहीं, मुझसे नोट्स कॉपी करता है। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा आज क्लास के बाद। नहीं, उसको तो मैं अपनी तरह से सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक कि कभी नहीं भूलेगा। आइए सर। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, एटॉमिक बैटरी भी लग चुकी है
मिसाइल कभी भी टेक ऑफ ले सकती है। सावधान दुश्मनों, हम आ रहे हैं एक नए अजूबे के साथ। ऑल सेट? यस सर। ओके ब्रिगेड्स, आज से हमारा आसमान हमारी हिफाजत में है। आज से तुम लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हो। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आकाशीय सीमाएं एक मिसाइल द्वारा सुरक्षित होंगी। हम लोग तैयार है सर। ग्रेट, गेट रेडी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। Sir, we have done it! Man. Control. Yes, I will control. कैप्टन, हेलो सर, मिसाइल इंडिकेटर ऑफ हो चुका है सर। हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है सर। डैम इट सर, मिसाइल का रुख शक्तिशाली चुंबक से बदला गया है सर। लेकिन स्पेस में मैग्नेटिक रेज आई कहां से? वही तो पता नहीं चल रहा है सर। सर देखिए, आखिरी इंडिकेटर भी ऑफ हो गया। ये आखिर ये किया किसने? ये नामुमकिन काम कैसे हो सकता है? सर, हो सकता है दुश्मन ने पहले से ही स्पेस में मैग्नेटिक रेज बिछा दी हो। नामुमकिन है। पिछले एक महीने से हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है। What next, sir? हमें सबसे पहले लॉन्च स्टेशन पर चलना चाहिए। Let's move.
लॉन्च हो गई। सर पूरा देश ये खबर सुनने के लिए बेताब है। प्लीज अभी आप लोग कुछ मत छाप लेना। क्यों सर, मिसाइल लॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम है? सर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर आप बात को घुमा फिरा रहे हैं। प्लीज बताइए ना मिसाइल लॉन्च हुई या नहीं। फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सर। प्लीज आंसर देखा गौ का मेरा जादू। ग्रेट फिमांचो, मुझे भी जादू सिखाइए ना। अरे मूर्ख, तू जादू सीख के क्या करेगा? मैं आपका सैनिक बन जाऊंगा। मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा जादूगर बनना चाहता हूँ। इस जादू की दुनिया में आपसे भी आगे निकल जाऊंगा। क्या बोला तू? जादू की दुनिया में मुझसे भी आगे निकलेगा? बदतमीज, ऐसा ख्याल तेरे मन में आया भी कैसे? आइंदा ऐसा ख्याल तेरे मन में भी आया तो बंदर बना के रख दूंगा। तू ना हिलेगा ना डुलेगा। माफ कीजिएगा फिर मांचो, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। माफ क्या? उठ 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 उठ, तो तेरी जगह है वहीं पर है। सेवक बन के उठ उठ उठ, अब तेरे को ऊपर उठाऊं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सिखा जादू। सुधा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, आप थके थके से लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शैली सो गए क्या? हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं सुधा अभी मन नहीं है। अरे 3 दिन हो गए, आपने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। इस मिसाइल ने तो मेरे घर का सुख चैन ही छीन लिया। हाँ, शायद इसीलिए हमारी मिसाइल को हमसे किसी ने छीन लिया है। क्या? हाँ सचमुच ये हैरत अंगेज बात हो गई है सुधा। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने हमसे हमारी मिसाइल को चुरा लिया है। भला इतनी बड़ी मिसाइल कैसे चुराई जा सकती है? ये तो मैं नहीं जानता, पूरी मिनिस्ट्री सेना सब परेशान है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसे मुमकिन कर दिया गया है। खैर छोड़ो, शैली का रिजल्ट आ गया? शायद कल आ जाएगा। आजकल मैं अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा। आप फिक्र न करें, हमारी बेटी बड़ी होशियार है, इस टेस्ट में भी अव्वल आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलिए हम लोग खाना खाते हैं। चलो। राहुल कोई गड़बड़ ना हो जाए। चुप्पे यार पोकर का। अब देखना, you have lots of fun. Good morning, teacher. Good morning, please. Sit down. Thank you, teacher. हाँ, अपनी अपनी notebooks निकाल लीजिए, please. हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है वीर शिवाजी। एक्सक्यूज मी मिस। यस प्लीज। आपके लिए फोन। अरे वाह गौरव, थैंक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? हमारी सुरक्षा को खतरा है, हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक है, यह बात उसने मिसाइल चुराकर साबित कर दी है। मिसाइल चुराकर एक बात साबित होती है सर, हमारे स्पेस पर हमारे दुश्मनों ने पूरी तरह से नजर रखी हुई है। हमारी चिंता का कारण यही है
इस सीरीज में हम 5 मिसाइल्स लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लॉन्चिंग रोक देनी चाहिए। जरूरी भी है, जब तक उस चोर का पता न चल जाए हमें दूसरी मिसाइल पर रोक लगा देनी चाहिए। सर, हो सकता है कोई शक्तिशाली रडार हो या फिर उससे मिलती जुलती कोई दूसरी चीज काम कर रही हो। मिस्टर वर्गिस, ऐसा शक्तिशाली रडार किसके पास हो सकता है? मिसाइल को अपनी तरफ खींचने के लिए एक जबरदस्त मैग्नेटिक पावर की जरूरत होती है, और हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी मैग्नेटिक पावर हमारे किसी भी दुश्मन मुल्क के पास नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है एक जादू सा लगता है सर। आप फौज में रहकर भी जादू टोने पर यकीन करते हैं? इस घटना के बाद यकीन करने को दिल करता है सर। आज तो सिर्फ मिसाइल गई है, कल वो हमारे सैटेलाइट अपने कब्जे में कर सकते हैं सर। कौन है इतना शक्तिशाली? हाय शैली। हाय शैली, इतना सूखा सूखा है क्यों? क्या मतलब है? नथिंग। कुछ तो जरूर है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। गौरव, मेरा होमवर्क आज भी इनकम्प्लीट है। क्यों? डैड 2 दिन से घर पे नहीं आए हैं, और तुम्हें पता है वो मिसाइल जो लॉन्च होने वाली थी वो किसी ने चुरा ली है। व्हाट? मिसाइल चुरा ली? लेकिन इसकी खबर तो न्यूज़पेपर या तो टीवी पे नहीं आई। कॉन्फिडेंशियल खबर है ना, छिपा दी गई है, और डैड के बिजी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। डोंट वरी शैली। क्या डोंट वरी, मैं ये सब टीचर से तो नहीं कह सकती ना। मिसाइल किसने चुराई होगी? तू नहीं सुधरेगा। राहुल भैया, मैंने क्या किया? तू शैली से बात क्यों करता है? क्योंकि वो मुझसे बात करती है। तुझे मना किया ना उससे बात करने के लिए? राहुल भैया, आप क्या कह रहे हो? तू आगे से उससे बात नहीं करेगा। राहुल भैया, धक्का मत दीजिए। देखो तो कितना भोला बन रहा है, अभी निकालता हूँ तेरा भोलापन। राहुल भैया, मत। राहुल मार, राहुल मार, राहुल मार, मार, राहुल मार, मार। राहुल भैया प्लीज मत मारिए। राहुल मार, 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 राहुल मार, मार, मार। क्यों, क्या हो गया, डर गया? मुझ पे तो बहुत रोब जमाता था। डरपोक। राहुल, फिर क्या हो गया तुझे? क्यों नहीं मारा उसे? यही तो पता लगाना है। लेकिन दूसरी मिसाइल छोड़ने से पहले हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए सर। सर, इसके लिए हमें कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सर, सबसे पहले तो जब तक हमें पहली मिसाइल नहीं मिल पाती हमें बाकी की मिसाइल के टेक अप पर रोक लगा देनी चाहिए। राइट सर, हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर, अगर आप कहें तो मैं खुफिया एजेंसी के चीफ से बात करूं। मैं भी कोशिश करता हूं सर कि सैटेलाइट कैमरे के द्वारा स्पेस में फैली हुई उस मैग्नेटिक रेज का पता चल जाए। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये कुछ तस्वीरें। लेकिन इन तस्वीरों में हमारे काम का तो कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स में भी इतना ही है कि किसी जबरदस्त मैग्नेटिक रेज से ही उसे अपनी ओर खींचा गया है। आप लोग दूसरी मिसाइल की टेक ऑफ की तैयारी करो। सर, मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिससे पहले मिसाइल का भी पता चल जाएगा। एक हाथ में लूंगा, एक फूंक मारूंगा, हाथी बन जाएगी। तू क्या बनेगा? ग्रेट फिमांचो लिंडा, द ग्रेटेस्ट वुमन ऑन दिस अर्थ। कहो क्या खबर आई हो? ग्रेट फिमांचो, अगली मिसाइल लॉन्च होने वाली है। कब? अगले हफ्ते। मिस मैग्नेटो को इसकी खबर की? वो तैयार है ग्रेट फिमांचो। वेल डन, वेल डन। कहो कोई और खबर है? और एक खबर है ग्रेट फिमांचो, टेंगरीला ग्रह की राजकुमारी अल्फा आपसे मिलना चाहती है। अल्फा लिंडा, ये क्या बला है? राजकुमारी अल्फा बड़ी खूबसूरत बला है, धरती पर आ रही है, इसका मतलब कोई कयामत आने वाली है। कैसी कयामत ग्रेट फिमांचो? लिंडा,
राजकुमारी अल्फा जितनी खूबसूरत जिस्म से है उससे ज्यादा खतरनाक उसका दिमाग है। धरती पर किसी खतरनाक इरादे से आ रही होगी। देख हिमांशु, आज तक आपके सामने कोई नहीं दिख पाया, तो आप क्या दिख पाएगा? तुम्हारा मतलब है ना खतरा? हमारे सामने कोई खतरा नहीं दिख सकता, हमें इसका पूरा यकीन है। चिंकारा! अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मैं तुम सबको देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। अरे मूर्ख, इधर उधर क्या देख रहा है, मैं ठीक तेरे ऊपर हूँ, नीचे हूँ। सारा प्लान फुल प्रूफ है ना? यस सर। हेलो, ऑल सेट? यस सर। गुड। यस टाइगर, रेडी? यस सर, मिसाइल टेक ऑफ के लिए तैयार है सर। गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Sir. मैग्नेटो, आप एक बार फिर कामयाब रही। ग्रेट फिमांचो, आपकी इस कामयाबी से बेहद खुश होंगे। चलिए हम गोडाउन में चलते हैं और उन मिसाइल्स को देखते हैं।
मिस मैग्नेटो, ग्रेट फिमांचो आपके इस काम से बेहद खुश होंगे। आपने वाकई कमाल का काम किया है मिस मैग्नेटो। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो। बेवकूफों, अपने हथियार फेंक दो। हम लोगों के लिए तो ये सिर्फ खिलौने हैं। देश के दुश्मनों, ये असली मशीन गन है। जो आग उगलती है आग। चुपचाप सब अपने हाथ ऊपर कर लो, वरना सबके सब मारे जाओगे। क्या हो रहा है ये? हम किधर जा रहे हैं? अरे हम ये क्या हो रहा है ये? अब क्या हो रहा है? ये ग्रेट फिमांचो की जादुई नगरी है। अगर मैं चाहूं तो तुम लोग जिंदगी भर ऐसे ही लटकते रहोगे। मिस मैग्नेटो। यस मैडम लिंडा। इन लोगों के हथियार हमारे बहुत काम आ सकते हैं। समझ गई मैडम लिंडा। इन लोगों को बंदी बना लिया जाए। चले थे ग्रेट फिमांचो से टक्कर लेने। आज के मुख्य समाचार। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से स्पेस में छोड़े जाने वाली पहली मिसाइल के गायब होने के बाद अब दूसरी मिसाइल भी गायब हो गई है। इस बार उस चोर का पता लगाने की दृष्टि से उस मिसाइल में 8 कमांडोज भी थे। काफी कोशिश के बावजूद भी उनका पता नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइल्स को शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति से खींचा जाता है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर परेशान है कि स्पेस में ये मैग्नेटिक रेज आती कहां से है। आज के समाचार में लो, अभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अरे अपने को क्या है, पुलिस मिलिट्री है ना, अपने आप निपट लेगी। इट इज वर्क ऑफ देम। लेकिन शांति, ये हर जिम्मेदार नागरिक के लिए बड़ी चिंता की बात है। लो कर लो बात, अपने घर की फिक्र नहीं और पूरी दुनिया की चिंता तुम्हें है। ए गौरव, व्हाट यू डूइंग? नॉट सिट, गो द मार्केट। चाची मैं मार्केट गया हूँ और सामान भी लाया हूँ। देन गो मेक टी फॉर मी। क्या कर रही हो? देख रही हो ना, पढ़ रहा है वो। अरे पढ़ने दो उसे। अरे पढ़ लिख के इसने कौन सा कलेक्टर बन जाना है। ए गो गो गो। तुम बहुत ज्यादती करती हो उसके साथ शांति। मैं जो भी करती हूँ सब ठीक करती हूँ। यू नॉट टेल मी। उस मिसाइल चोर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे आप आ गए, मैं चाय लेके आती। नहीं, रहने दो चाय। आप बहुत परेशान हैं ना डैड, उस मिसाइल चोर ने आप सबकी नींदें उड़ा दी। हाँ बेटा, लेकिन अब एक मुसीबत और आ गई है। हमारे 8 कमांडोज गायब हो गए हैं, पूरी मिनिस्ट्री भी परेशान है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ये? कोई दुश्मन देश? नहीं बेटा, ये काम किसी दुश्मन देश का नहीं है। ये जरूर किसी शैतान का काम है। हमारी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इतना बड़ा मैग्नेट तो हो ही नहीं सकता। वो शैतान इस मिसाइल का क्या करेंगे? अब क्या पता क्या करेंगे।
लेकिन कमांडो के घर वालों का बहुत बुरा हाल है और ब्रिगेडियर माधवन भी बहुत परेशान है। किसी के समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। काश ये बात जूनियर जी तक पहुंच जाए। उसकी जादुई ताकत ही पापा की मदद कर सकती है। मेरे पास उसका एड्रेस तक नहीं है, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा। चाची भी ना सोने में इतना टाइम लगाती है। प्रोफेसर बर्नांडो, मुझे आपसे मिलना है। आओ जूनियर जी, आओ। तो क्या बात प्रोफेसर, आप जानते हैं मिसाइल चोर के बारे में? हिमांशु और कौन ऐसी हरकत वही कर सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो दुश्मन है जूनियर जी, देश का, समाज का, बल्कि समस्त मानव जाति का। लेकिन वो मिसाइल का क्या करेगा? वो मिसाइल चुरा कर बेच देगा। कई दुश्मन देशों के साथ उसकी दोस्ती है। वो सिर्फ एक जादूगर ही नहीं, एक स्मगलर भी। उसके पास कई चमत्कारिक लोगों की एक सेना है, समझे जूनियर जी? इस मिसाइल को किसी पावरफुल मैग्नेटिक ताकत ने खींचा है। मिस मैग्नेटो, ये कौन है? ये हिमांचो के ब्रिगेड की एक शैतान आत्मा है, जिसका पूरा जिस्म मैग्नेट का बना हुआ है। ये भारी से भारी चीज अपनी तरफ खींच सकती है। मुझे लगता है मिसाइल भी इसी ने अपनी मैग्नेटिक पावर के थ्रू खींची। वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो प्रोफेसर, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगी। शाबाश जूनियर जी, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर ऐसे ही पापियों के सर्वनाश के लिए तो भगवान ने तुम्हें ये जादुई शक्तियां दी हैं। जाओ जूनियर जी, इन पापियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ो। इस वक्त देश को तुम्हारी मदद की जरूरत है और विधाता की भी यही इच्छा है। जी प्रोफेसर, ऐसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हिमांचो, तुम्हारा वक्त आ चुका है।
ओ तो तुम हो। मेरे ख्याल से हम पहले कभी नहीं मिले ना। वैसे भाई साहब आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरा नाम मेटल मैन है और मैं ग्रेट फिमांचो के हर दुश्मन को अपनी इन मेटलिक पावर से काट कर फेंक चुका हूँ। और बच्चे, मेरी ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, वैसे तुम्हारी ताकत क्या है, मुझे बताओगे? देखता नहीं मेरे हाथ में ये मेटलिक रॉड जो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी नष्ट नाबूद कर सकते हैं। इन मेटलिक रॉड में वो इलेक्ट्रिक पावर है जो किसी भी चीज को एक पल में जलाकर राख कर देती है। ये देख। तेरा शरीर तो बहुत ही मुलायम है बच्चे, उसे तो मैं ऐसे ही मसल के रख दूंगा। अरे ऊपर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मैं तो यहाँ हूँ। शक्तिशाली मिसाइल जिसकी मदद से आप अपने देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। वाओ, ग्रेट फिमांचो इज रियली ग्रेट। आप इसे ले जा सकते हैं और आपकी बाकी की डिमांड वक्त रहते ही पूरी कर दी जाएगी। ये मिसाइल हम कब ले जा सकते हैं? मिसाइल की डिलीवरी आप बाकी का पेमेंट होने के बाद ही ले जा सकते हैं। खतरा, मिस मैग्नेटो, खतरा। क्या हुआ? तुम्हारे मैग्नेटिक रॉड्स कहाँ हैं? किसके ये हिम्मत कि तुमसे टकरा सके? एक बच्चा जो अपने आप को जूनियर जी कहता है। ओह, जूनियर जी तो शिकार जाल में फंसना चाहता है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है मिस मैग्नेटो, उसकी ताकत से तो मैं हैरान हूँ। वो कितना भी ताकतवर है पर कैप्टन किलर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं। कैप्टन किलर? हाँ, 10 हाथियों की ताकत वाला।
तो हाथियों को गेंद की तरह उछाल सकता है, जिसकी ताकत का तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं। जब चलता है तो लगता है कि धरती हिल रही है। बस यूं समझ लो, रावण का भाई कुंभकर्ण है वो। कौन है ये फिमांचो का नया सैनिक? क्या मिस मैग्नेटो इसके साथ मिलकर जूनियर जी को पकड़ पाएगी? क्या देश के ऊपर मंडराता हुआ संकट टल पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।